तो बिना देरी के चलिए बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। तो बॉक्स को खोलते ही हमें कुछ इस टाइप से मिलता है। अरे अरे, इसमें तो कैमरा है ही नहीं। ओए, कैमरा किधर गया? ओए, सो फाइनली हमने यहाँ पर अपना DSLR परचेज कर लिया है, वो भी बहुत ही सस्ते दाम में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने इसे कितने में परचेज किया है, एक्चुअली मुझे ये कहाँ से मिला और इतना अच्छा डील मुझे कहाँ से मिला। ये है कैनन EOS 200D और इसे मैंने परचेज किया हुआ है 18-55 वाले किट लेंस के साथ, क्योंकि बड़ा वाला लेंस मुझे कोई काम, मेरा कोई काम का नहीं है, इस वजह से मैंने इसे सिंगल लेंस के साथ ही खरीदा हुआ है। और इसके साथ मैं एक प्राइम लेंस भी लेने वाला हूँ, पर अभी उतना माल पानी नहीं है भाई, इसीलिए नहीं ले सका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिल जाता है। तो चलिए अब खोलते हैं इस प्यारे से डब्बे को और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। तो बॉक्स को खोलते ही हमें सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है बैटरी का चार्जर देखने को, क्योंकि चार्जर ऊपर में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमने इसे पहले भी एक बार अनबॉक्स कर लिया था। और आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट का बिल देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर यूजर मैनुअल गाइड और वारंटी कार्ड और कुछ कैनन का वर्कशॉप का ऑफर वगैरह आपको यहाँ पर देखने को, पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। तो देखिए, अब मेन पार्ट खुलता है। ये आपका चार्जिंग केबल है और हमारा यहाँ पर मेन यूनिट, हमारा कैमरा हमारे सामने है, दैट मीन्स कैमरा का बॉडी है ये। तो आप देख सकते हो ये हमारा कैनन EOS 200D। तो हमारा कैमरा कुछ इस टाइप से मिलता है हमें, हमें यहाँ पर माइक पोर्ट वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं, पर इसका कोई भी केबल आपको साथ में नहीं मिलेगा, ना ही USB केबल, ना ही कुछ और। और हमें यहाँ पर एक बेल्ट देखने को मिलता है, या फिर स्ट्रैप आप कह लो, जो कि आप कैमरे में लगा सकते हो। यहाँ पर हमें मिल जाता है हमारा कैमरा का बैटरी, जो कि 1040 mAh का बैटरी है। अब देखना है हमें ये कितना देर आपको बैकअप देता है। और हमें यहाँ पर मिल जाता है हमारा कैमरे का लेंस, जो कि 18-55 वाला किट लेंस है। मैंने एक ही सिंगल लेंस के साथ इसे परचेज किया है, तो लेंस ऐसा कुछ है हमारे सामने। तो आप देख सकते हो ये एक जूम लेंस है, जो कि किट लेंस है, जो कि बेसिक लेंस है, और मैंने इसी के साथ ऑर्डर किया था, मुझे इतने कम प्राइस में लगा, नहीं तो मुझे और भी 13-14,000 पे करने पड़ते। और हमें यहाँ पर मिल जाता है 16 GB का मेमोरी कार्ड, वो भी फ्री में, और ये एक SD कार्ड है, दैट मीन्स एक बड़ा वाला कार्ड है, आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा अनबॉक्सिंग, यही सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिलता है। भाई मुझे तो बहुत ही अच्छी डील मिल गई थी, इसलिए मैंने इसे फटाक से परचेस कर लिया सिंगल लेंस के साथ, और मैं जल्द ही प्राइम लेंस भी परचेस करने वाला हूँ, और फिर फोटोग्राफी का मज़ा ही कुछ और होगा, वीडियोग्राफी का मज़ा ही कुछ और होगा। तो हमें यहाँ पर एक बैग भी मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बैग देखो आप कैसा है, यहाँ पर लिखा गया EOS, जब इसे आप खोलोगे तो कुछ ऐसा नज़र आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप DSLR को रख सकते हो, और साथ में और भी यहाँ पर कंपार्टमेंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें डाल के रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ भी एक कंपार्टमेंट है, यहाँ भी आप कुछ रख सकते हो, इसे ऐसे पकड़ सकते हो, और यहाँ पर ये स्ट्रैप दिया गया। तो बैग भी बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी डील है ये, बहुत सस्ते में मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल गई। तो कैमरा आपके सामने है, आप देख सकते हो कैनन EOS 200D, जहाँ पर कैमरा लिया गया है 24.2 MP CMOS सेंसर। यहाँ पर आपको 5 FPS देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी, वाईफाई, NFC, ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाद बाकी चीज़ें कुछ ऐसी हैं।
सो गाइज हमने यहाँ पर अपना पहला DSLR परचेज कर लिया, वो भी कैनन EOS 200D, जिससे फिलहाल आप मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हो। ये है फाइनल DSLR का ही फुटेज, आप देख सकते हो कितना यहाँ पर क्लियरिटी यहाँ पर आ रहा है। और मैंने इस DSLR को परचेज किया हुआ फ्लिपकार्ट से, वो भी सिर्फ और सिर्फ 35,000 में। यहाँ पर मुझे 5,000 का फायदा हो गया, 5,000 का डिस्काउंट टोटल हमें मिला है, क्योंकि हमने ऑर्डर किया था यहाँ पर एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से, इस वजह से हमें यहाँ पर 5,000 का डिस्काउंट मिल चुका है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि ऑनलाइन DSLR परचेज मत करना, उसमें ये प्रॉब्लम होता है, उसमें वो प्रॉब्लम होता है, तो इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आप बताओ कि इस बारे में क्या मुझे डिटेल वीडियो बनाना चाहिए कि एक DSLR ऑनलाइन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कि ऑनलाइन परचेज नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सर्विस सेंटर को लेकर इशू होता है, वारंटी को लेकर इशू होता है। तो क्या प्रॉब्लम है, इस बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आज मैं ये DSLR खरीद सका क्योंकि ये आपके प्यार का ही नतीजा, आज आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक DSLR को परचेज कर सकूं, क्योंकि ये आपके प्यार के बदौलत ही मुझे मिला है। बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर YouTube का पैसा लगाया है और साथ ही साथ मेरा खुद का दूसरी साइड से इनकम होता है मेरे पर्सनल बिजनेस से, वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया। फाइनली आप फुटेज देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है, पर ये आपका 18-55 वाला किट लेंस से आ रहा है, तो प्राइम लेंस जब लगेगा तो आपको और भी अच्छी फुटेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक इसे जरूर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो दोस्तों मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।